मतलब मेरी जो तालीम जो हुई है वो हमारे नाना जी से हुई है, और घर में ही बचपन से संगीत का माहौल था, तो मतलब 6-7 साल की उम्र से ही मतलब नाना ने छोटा एक वायलिन था घर में, वो थमा दिया, और बचपन से ही हम देखते रहे। नाना जी के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे और घर में ही गाना बजाना चलता रहता था, तो एकदम से बेसिकली बहुत ही नेचुरल वे में वायलिन की विद्या शुरू हो गई। ये वायलिन जो है अगर आप देखें तो बेसिकली ये एक यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ बोइंग इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे यहाँ से गया था यूरोप आज से 1000 साल पहले, 700-800 साल पहले। तो बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट में मोस्टली जब बजा शुरू में तो वेस्टर्न म्यूज़िक बजा, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक बजा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आप मान के चलिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो अपने साथ ये इंस्ट्रूमेंट वापस लेके आए कलकत्ता में, तो यहाँ पे इंडियन म्यूजिशियंस ने वायलिन को पकड़ा और ऐसे पोजिशन से बजाना शुरू किया यात्रा में दुर्गा पूजा में। तो वहाँ से धीरे धीरे देखा गया कि इसमें क्लासिकल म्यूज़िक बजाने का भी बहुत स्कोप है, तो नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह कर्नाटिक म्यूज़िक एंड नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक में इसको यूज़ किया गया एज एन अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट टू वोकल म्यूज़िक। तो वोकल म्यूज़िक में जब शुरुआत किया गया, उसकी संगत जब वोकल की होने लगी, पर धीरे धीरे लोगों ने सोचा, इसको समझा, और उसमें हमारे नाना जी का भी बहुत योगदान था, इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया, एक छवि दी एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंट की। तब आप मान के चलिए अर्ली 20th सेंचुरी में वायलिन नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंट प्रचलित हुआ। और इसकी खास बात यह है, देखिए आजकल जितने भी वायलिनिस्ट नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में बजा रहे हैं अधिकतर गायकी अंग बजा रहे हैं, लेकिन नाना जी ने एक अपना शुरुआत किया क्लासिकल म्यूजिक का स्टाइल विच वॉज गतकारी एंड गायकी का मिश्रण। तो इसमें सरोद सितार की भी टेक्निक्स इन्वॉल्व है, वेस्टर्न बोइंग भी इन्वॉल्व है, और गायकी तो है ही आलाप। गायकी और गतकारी का जो मिश्रण है उसका, और एक हमारा जो एक और स्टाइल जो है जो हमारे घर में चला आ रहा है ध्रुपद अंग का बजाना। ख्याल से सोलो इंस्ट्रूमेंट, इवन इन साउथ इंडिया सोलो इंस्ट्रूमेंट की पहचान तो बनी है, लेकिन साउथ इंडिया में वायलिन इज द मेन प्राइमरी अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी भी आप देखिए गायन होता है या बांसुरी वादन भी होता है तो उसके साथ वायलिन अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे होता है। और हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में थोड़ा सा ये कहूँगा कि इसको जो है एक तरह से इसकी एक छवि एज ए सोलो इंस्ट्रूमेंट की मैं कहूँगा कि बन चुकी है। बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे टॉप म्यूजिशियंस नॉर्थ इंडिया में रहे हैं जो कर्नाटिक सीख के भी आए हैं और नॉर्थ इंडियन बजाते हैं,
लेकिन मेरे ख्याल से इसका कारण ये है कि मतलब नॉर्थ इंडियन वायलिन को अपनाना और उसको सीखना विधिवत रूप से, जैसे सरोद और सितार कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसे शिष्य कम हैं और इस तरह की तालीम को लेने वाले कम हैं। मृग्या जो है, बस मैं ये कहूँगा कि उस टाइम कुछ स्टार्स ऐसे थे कि सारे लोग एक साथ जुड़े एट अ गिवन पॉइंट और बस संगीत बजाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। लेकिन इसमें ये था, हमारे जितने भी बैंड में अभी लोग हैं सब बहुत ही अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, और हम लोग एक दूसरे को पुराने प्रीवियस बैंड से जानते हैं। जैसे मेरा परिक्रमा से, मैं परिक्रमा में था 12 साल तक, तो काफ़ी सारे लोग। तो हुआ क्या कि एक कॉन्सर्ट होना था 1999 में फ्रेंड्स ऑफ म्यूज़िक का, और वहाँ पर बेसिकली फ्रेंड्स ऑफ म्यूज़िक ने हमारे जो तबला बजाते ज्ञान सिंह और जो ड्रमर हैं रजत कक्कड़ और यूफोरिया के जो ड्रमर हैं अश्विनी, इन तीनों को बोला कि आप लोग परकशन एंसेंबल या परकशन जैम आप स्टार्ट करिए, एक एक्ट तैयार करिए 1.5 घंटे का। तो इन लोग अपना वर्कआउट वगैरह कर रहे थे, तो मैं एक दिन ऐसे इनकी रिहर्सल पर चला गया और देखा तो ये लोग अपना 3 परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कर रहे थे। तो मेरे को थोड़ी देर सुना, मुझे लगा कि भाई अब 1.5 घंटे तक सिर्फ परकशन चलेगा, थोड़ा मेलोडी होना ज़रूरी है। तो मैंने सबसे बोला, मैंने कहा तुमको लगता नहीं कि अब यहाँ पे थोड़ा सा मेलोडी डाला जाए? तो रजत ने बोला ठीक है आप आ जाओ वाले ले आओ। तो मैं फिर आया और फिर कुछ बजाना शुरू किया तो कुछ बना। अब जब वायलिन आया तो हमको लगा अब गिटार भी होना चाहिए। अब सिर्फ 1 हफ्ता रह गया कॉन्सर्ट को, नया म्यूज़िक बनाना है। तो वो कहते रहे कि सब ऊपर से बस वो बन के आया था। तो बस उसके बाद जब गिटार की ज़रूरत पड़ी तो सोनम शेरपा परिक्रमा की गिटार प्लेयर वो आ गए, इंद्रनील हरिहरन फ्रॉम ऑरेंज स्ट्रीट वो आ गए। तो हम 6 लोगों ने जुड़ के उस 1 हफ्ते के अंदर 5 से 7 कॉम्पोजिशन बनाई उस शो के लिए, और कॉन्सर्ट हमने किया। और हमने सोचा था कि ये एक शो है, बजा दिया अब बस ठीक है। उसी टाइम दौरान जो फ्रेंड्स ऑफ म्यूज़िक के ऑर्गेनाइजर संजॉय स्टेज पे आके मुझे बोलते हैं कि तुम अगले साल एडिनबरा जा रहे हो। तो बस वो जो एक शो के लिए हमने जो तैयारी की थी, और आज तक देखिए 13 साल हो गए, 14 साल हो गए, और पूरा वही वो जो गाने तब बने थे वो आज तक वैसे ही हैं। तो वो एक ऐसा मोमेंट था, ब्यूटीफुल मोमेंट था, जब एक सारा प्लानिटरी अलाइनमेंट की सारा संगीत सब दिमाग एक साथ जुड़ के हमने जो बनाया वो आज तक चल रहा है। देखिए यूनिकनेस तो ये है कि देखिए हमने जब बनाया उस 1 हफ्ते में जो संगीत, गंगा, पहाड़ी फंक, मितवा और डेकन क्वीन और रॉक द राग जैसे गाने हम बजा रहे, अच्छा राग बेस्ड फ्यूजन उस टाइम मेरे ख्याल से हमने शुरू किया था उस दौरान। उस टाइम रॉक बैंड्स होते थे, डेथ मेटल, सारे तरह के बैंड्स होते थे इंडिया में, लेकिन फ्यूजन वर्ल्ड म्यूज़िक का जो प्रॉपर बैंड है उस टाइम शायद नहीं होता था। तो जो एक साउंड हमने जनरेट किया विदाउट नोइंग कि हम क्या कर रहे हैं, वो अपने आप में एक लाजवाब चीज़ थी। और इतने सुंदर सुंदर राग लिए, किरवानी लिया, यमन, बिहाग और आपका भैरव, बसंत बुखारी, तो इन सब राग, जोग, इन सब रागों में जो एक चीज़ बन गई और उसके साथ जो वेस्टर्न माइंड जब जुड़ा उन मेलोडीज़ के साथ, आई थिंक इज़ द यूनिकनेस ऑफ दैट बैंड। कि एक एग्जांपल है, जैसे आपको फ्यूजन जो है अगर सही मायने में ना हो तो वो बहुत ही बुरा साउंड करता है। जैसे अगर मैं एक मेलोडी बजा रहा हूँ तो उसमें गिटार हावी ना हो जाए, ड्रम्स हावी ना हो जाए, उसके साथ एक बैलेंस बना के, जैसे आप दाल में खाने में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो परेशानी है, नमक कम हो जाए तो परेशानी है। तो जो करेक्ट ब्लेंड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मृग्या में फ्रॉम डे वन वो एक बस ऊपर वाले की भगवान का एक आशीर्वाद था कि ये हमने यूनिकनेस बरकरार रखी है। और अभी हमारी नई एल्बम आ रही है 2 महीने में, आप उसके भी गाने सुनिएगा, आपको वही फ्लेवर विद अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी सुनाई देगी। देखिए मृग्या में भी मैं कोई जैज़ या कोई और स्टाइल नहीं बजाता हूँ, मेरी आइडेंटिटी मृग्या में भी वही है एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन। आप जितने भी कॉन्सर्ट सुनेंगे उस पर देखिए, मैंने अपने रागों से हटा नहीं होगा कभी आज तक। हम जो कुछ सीखा है नाना जी से, राग दारी जो सीखी है, जो तालीम ली है, वही निकल के आती है, चाहे वो क्लासिकल कॉन्सर्ट में आए, चाहे वो बैंड में आए, चाहे वो रॉक में आए, चाहे वो जैज़ में आए, जितने के साथ मैं कोलैबोरेट करता हूँ। तो
अब जैसे कोई अरेंजमेंट ऑफ बिग बैंड अपने स्लोवेनिया में जैज के साथ सुना, तो वहाँ पे क्या है, वो जो मेलोडी सुनी और उसको मेलोडी को हमने रिलेट किया उस कॉरेस्पॉन्डिंग राग से, अच्छा ये जो है इस राग में बैठते हैं, तो वहाँ पे हमने अलाप और ताने वाले बजाना शुरू किया विद ड्रम्स। तो बेसिकली अगर मैं बजा रहा हूँ, सपोज एक तान बजा रहा हूँ, उसके साथ तीन तार ठेका चल रहा है, तो आप कहेंगे ये तो क्लासिकल हो गया। तबला हटा के वहाँ पे ड्रम्स आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये तो फ्यूजन हो गया। तान वही है, तो मैं नहीं चेंज हुआ, मतलब मेरी अच्छा भी वही रहेगी। अब हम लोग तो इस मामले में मैं कहूँगा बहुत फॉर्चुनेट है, क्योंकि मृग्या अभी हिंदुस्तान में एक ऐसा बैंड है कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में परिपक्व है, पूरा पका हुआ है, चाहे वो ज्ञान हो तबले के, वो भी तालीम है, चाहे शुकृति हो, चाहे रजत हो, नील, सचिन, करण, सब लोग अपने सबको बैंड से हटा के आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर रख दीजिए तो कभी भी हल्के नहीं पड़ेंगे, लोग अपने आप में बहुत ही पके लोग हैं। और ये सब ग्रेट माइंड्स जब एक साथ मिलते हैं तो, और आपकी बात बिल्कुल सच है, अभी सुनने में ऐसा आ रहा है अभी बहुत फ्यूजन बैंड्स आ गए, बहुत रॉक बैंड्स बन रहे हैं घर घर में, मतलब मेरा, चलो मेरा बगल में अगर गिटार प्लेयर रहता है तो मैं उसके साथ बैंड बना लेता हूँ, ये ऐसा भी हो गया है, बैंड्स बहुत बन रहे हैं एंड यू कांट हियर दैट मैच्योरिटी ऑफ साउंड। तो अभी जो आदमी 20 साल सीख के बैंड बनाया और एक आदमी जो 5 साल सीख के बैंड बना रहा है, उसमें फ़र्क तो नज़र आएगा ही आपको, और आज की डेट में बहुत हो गया है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, हर बैंड बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज हो रहा है, वो हम एक ट्रेंड जो फ्यूजन था, फ्यूजन ट्रेंड से फिर वो वर्ल्ड म्यूजिक बन गया, उसके बाद वो पंजाबी ख़त्म हो गया, उसके बाद सूफी आ गया, तो उसके बाद सूफी रॉक आ गया, तो मतलब हर तरह का काम हो रहा है, हर चीज़ जो है आजकल जो है, मतलब चाहे वो कानों को अच्छी लगे ना लगे लेकिन बिक रही है, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमारा जो साउंड है, हमारा जो आइडेंटिटी है, हमने जिस चीज़ पर हमेशा बिलीफ रखा है, हम उस पर काम करते हैं। हमारे सॉन्ग्स मैं कहूँगा 100% कमर्शियल नहीं है, लेकिन जब भी आप सुनेंगे उसको तो आपको एक अलग ताजगी नज़र आएगी। और एक बात आपने जो बोला कि जो इमैच्योरिटी बैंड्स में नज़र आती है, एक साल हुआ था बैंड को बने, हम एडिनबरा फ्रेंच फेस्टिवल गए बजाने, वहाँ पे अमजद अली खान साहब आए थे अपने बच्चों के साथ, उन्होंने देखा और सबसे पहली चीज़ कॉन्सर्ट के बाद जब मुझे बोला कि शरद सबसे पहला कंप्लीट फ्यूजन बैंड मैंने आज देखा है, मुझे पता नहीं था कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्यूजन का, लेकिन आज देख के समझ आ गया यू आर कंप्लीट इन योर ओन राइट। तो ऐसा कॉमेंट ऐसे बिग मास्टर से हमें मिला है ऐसे, मतलब तो आप देखिए, और उससे हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ा, तो इसलिए जो है हम लोग जो है अपना काम कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल, ये तो मतलब वो है जैसे अब अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, मतलब पूरी दुनिया मानती है उनका लोहा, और लेकिन ये जो स्टाइल है मेरे को बहुत लोगों के पता चलता है, जहाँ पे वो वायलिन सुनते हैं और एकदम से समझ जाते हैं कि हाँ ये मेरा हाथ है या नाना जी का हाथ है, वही जो परंपरा चली आ रही है, तो वो तो एक आप मैं कहूँगा ये तो एक ब्लेसिंग है। गिरिजेश ने मुझे उस दिन फ़ोन करके बोला कि अरे वो मंजू हाथ में आपका वायलिन है, तो मैंने कहा हाँ वो तो मैंने बजाया है, कहते देखिए मैं पहचान गया। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, हर एक इंसान की एक अपनी आवाज़ होती है, जैसे हमारी आवाज़ ये है और एक अंग होता है, वायलिन पर हाथ रखते ही पता चल जाएगा अरे ये तो शरद का हाथ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है संगीतकारों के लिए कि उनकी एक पहचान बन रही है। तो ये एक पीस मैं बजा रहा हूँ राग बिहाग का, जो पहले आपको आलाप कर रहे थे उसी में एक बंदिश बन गई थी, तो उसी का मैं थोड़ा सा आपको झलक दिखाऊंगा।